प्रीत कथा मिर्जा साहिबा। खीवे माहणी दे सरदार खीवे खान दी एक धी सी, उस दा नां साहिबा सी। इस प्रीत कहानी दा नायक मिर्जा दानाबाद पिंड विच वंजल नां दे व्यक्ति दे घर जम्मिया। साहिबा रिश्ते विच मिर्जे दे मामे दी धी सी। साहिबा कुछ वड्डी हुई तां उस नूं पिंड दी मसीत विच पढ़ने पाया गया। कहिंदे हन कि मिर्जे दे बचपन समय ही उस दे सिर तो प्यो दा साया उठ गया सी। शायद इसे कारण उस नूं उस दे नानके घर भेज दिता गया सी। नानके घर रहिंदिआं मिर्जा भी मसीत विच पढ़न लई जाण लग्गिआ। मसीत विच इकट्ठे पढ़दिआं मिर्जा ते साहिबा दा आपसी लगाओ हो गया। जवानी दी दहलीज ते पैर धरदिआं ही यह लगाओ गुड़ी प्रीत दा रूप धारण कर गया। छेती ही इस प्रीत दी चर्चा होण लगी। नतीजे वजों मिर्जा अपने पिंड दानाबाद वापस आ गया। दूजे पासे साहिबा दे मापिया ने उस दा व्याह चंदड़ खानदान दे एक गभरू नाल तय कर दिता। चंदड़ा दी जंझ ढुकण वाली सी। साहिबा इस व्याह लई राजी नहीं सी। इस लई उस ने करमू नां दे एक व्यक्ति हत्थ मिर्जे नूं दानाबाद सुनेहा भेजिया। सुनेहे विच मिर्जे नूं तत्काल साहिबा कोल पहुंचण लई कहा गया। साहिबा दा सुनेहा मिलदिआं ही मिर्जा तैयार हो गया। उस दे घरदिआं ने उस नूं बहुत रोकिया, बहुत समझाउणियां दित्तियां, पर मिर्जा साहिबा कोल जाण लई दृढ़ संकल्प सी। ओह बिना किसी ढिल तो अपनी बक्की उत्ते सवार हो के वाहोदाही साहिबा दे पिंड पहुँच गया। उत्थे उस ने अपनी मासी बीबो दे राही साहिबा नूं अपने पहुँचण दी खबर दित्ती। तदों मिर्जा अते साहिबा ने विआह तों पहलां ही नठ जाण दी पक्की कर लई। कहिंदे हन कि मिर्जा साहिबा नूं अपनी बक्की उत्ते बिठा के हवा हो गया। छेती ही ओह पिंड तों काफ़ी दूर चले गए। तद कुछ सफ़र दी थकावट कारण अते कुछ निश्चिंत हो जाण कारण मिर्जा एक जंड दे हेठां आराम करन लई रुक गया। उस ने अपनी बक्की नेड़े ही बन्न दित्ती, तीरां दा पत्था नेड़े ही रख लिया। पलां विच ही ओह गूढ़ी नींद सौ गया। साहिबा उस दे सरहाने जागदी बैठी सी। उधर यह गल लुकी ना रही कि मिर्जा साहिबा नूं उधाल के लै गया है। तद सियाल अते चंदड़ अर्थात साहिबा दे पेके ते सहुरे घर दे बंदे मिर्जे अते साहिबा दा पिछा करन लगे। साहिबा नूं पिछा किते जाण दा डर सी, इस लई उस ने मिर्जे नूं जगाउण दी कोशिश कीती, पर मिर्जे नूं अपनी ताकत उत्ते अन्ना विश्वास सी, जिस करके उस ने साहिबा दी गल नूं गौलिया तक ना अते सुत्ता रहा। सियाला अते चंदड़ा दी ताड़ आखिर खुरा नपदी हुई उस जंड दे नेड़े पहुँच गई जिथे मिर्जा सुत्ता पिया सी। साहिबा ने मिर्जे नूं जगाया अते सिर उत्ते आए खतरे तों सावधान कीता। कहिंदे हन कि मिर्जे ने उठदिआं ही अपने पत्थे विचों तीर लै के साहिबा दे भाई शमीर वल छड्डिआ। तीर लगदे ही शमीर अपने घोड़े तों हेठां आ डिग्गिआ। मिर्जा फिर हंकार वस सौ गया। साहिबा नूं फिकर होया कि जे मिर्जा इस तरह तीरबाजी करेगा तां उस दे भरावां दा नुकसान होवेगा। इस लई उस ने मिर्जे दा तीरां वाला पत्था अते कमान जंड उत्ते टंग दित्ते। इन्ने नूं पिछा करदी आउंदी वाहड़ ने मिर्जे नूं आ घेरिया। निहत्था अते इकल्ला मिर्जा सियाला अते चंदड़ां दे हमले अगे टिक ना सकिया। मिर्जा
ਜੰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।